Hello students, welcome to today's class. This lecture is going to be the second last for class 11th and especially for the first unit. In this topic, today we will talk about the reaction in the solutions. Okay, reaction in solutions. So the first question which arises in your mind is, what do you mean by solution? Okay, okay, when it comes to the solution, hum shayad cheezon ko liquid state mein imagine karte hain. बट मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड स्टेट नहीं होता, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट भी हो सकता है और सॉल्यूशन जो है गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, बट मेजरली हम यहाँ जो बात करेंगे वो लिक्विड स्टेट में बात करने वाले हैं. ठीक है, एक्चुअल में सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है. अब वो क्या है, लेट्स कम टू दैट ऑल्सो. फर्स्ट लेट्स डिफाइन के सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि शुगर इन वाटर. देखें, दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सरसाइज विच वी परफॉर्म इन आवर डे टू डे लाइफ. कि आप वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं. मान लेते हैं यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू पुट वन स्पून शुगर इन टू इट. देन वट विल यू ऑब्जर्व कि एक चम्मच शुगर जो होगी वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, पहला पॉइंट. लेकिन जब वो डिसॉल्व हो गई उसके बाद आप उस ग्लास ऑफ वाटर को ऊपर से उठाओ, मिड में से उठाओ, बीच से उठाओ, लेफ्ट से उठाओ, राइट से उठाओ, किसी भी डायरेक्शन से अगर वाटर आप निकालेंगे तो वहां पर मिठास जो होगी, जो डिग्री ऑफ स्वीटनेस होने वाली है वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी. ठीक है, मतलब कि उसमें जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्वीटनेस की, मिठास की, कि मिठास हर डायरेक्शन में एक है. जब चीजें हर एक डायरेक्शन में एक होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस. ठीक है, तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस. सेकंड पॉइंट कि क्या कहीं पर ये बात फिक्स है कि एक गिलास वाटर के अंदर इतनी शुगर डालनी कंपलसरी है, क्या देश में ऐसा कोई कानून है? नहीं है भाई. किसी को बहुत कम जो है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि चाय का हम एग्जांपल लें. चाय जब बनाते हैं तो कहीं पर इंडिया में कोई रूल नहीं है कि एक कप चाय में अगर आपने इतनी चीनी नहीं डाली तो आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ कानून नहीं है. ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल फीकी चाय पसंद है, वो चीनी डालते नहीं. कुछ लोग जो है हल्की जो है चीनी डालते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है चीनी का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन है, जो अमाउंट है, किसका, शुगर का, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज दैट, है ना. कभी आप उसको बढ़ा रहे हो, बहुत मीठी अगर आपको चाय पसंद है तो आप बहुत ज्यादा शुगर डाल रहे हो, अगर आपको फीकी पसंद है तो आप शुगर नहीं डाल रहे. तो यानी कि जब आप प्रपोर्शन को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. जब वेरी करते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिक्सचर. याद करो, जब हमने मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट किया था तो हमने कहा था कि मिक्सचर में प्रोपोर्शन को वेरी किया जा सकता है बट कंपाउंड में प्रोपोर्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड. ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन को डिफाइन कर लो कि सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. केमिकली नॉन रिएक्टिंग कि जो चीजें आप मिक्स कर रहे हो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हो सकता है वो सॉल्यूशन बन जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं HCl plus NaOH, HCl plus NaOH. अगर आप दोनों को मिक्स कर दे और सोचें कि ये सॉल्यूशन है किसका, HCl और NaOH का, तो देखो यहां पर दिस इज एसिड बेसिकली एंड दिस इज योर बेस. एसिड और बेस तो रिएक्ट कर जाएंगे, क्या देंगे, H2O plus NaCl. यानी कि वो सॉल्यूशन तो है लेकिन किसका, NaCl का, किसमें, वाटर में. तो ये बात कंपलसरी है कि भाई जो दो कंपोनेंट आप ले रहे हो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन ना होती हो. ठीक है, केमिकल रिएक्शन ना होती हो. तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. ठीक है, अब इसमें देखें हम कह रहे हैं टू और मोर, एक कंपोनेंट ऐसा है जो कम अमाउंट में है, जैसे कि इस एग्जांपल में शुगर है. तो जो चीज कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट. सॉल्यूट मींस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट.
solution which is present in the large amount. Example in this case is water. So solute plus solvent, that is called solution. यानी कि solution के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक solute मिलेगा और दूसरा solvent मिलने वाला है, ठीक है? और एक ऐसा solution जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो component हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? Two component. मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, two components, only two components, then that solution is called as binary solution. By word का मतलब ही होता है two, ठीक है? So binary solution अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई binary solution क्या होता है, तो आंसर बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइनरी। अब यहाँ सॉल्यूशन तक आते आते मुझे एक बात तो समझ आई कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज में डिसॉल्व कराना है, ठीक है, जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व कराना है, तो किसी चीज को किसी दूसरी चीज में डिसॉल्व कराना है। जिसको डिसॉल्व कराना है, जैसे किसको डिसॉल्व कराना था, यहाँ शुगर को, तो जिसको डिसॉल्व कराना है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व कराना है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ध्यान से जो है समझो कि जिसको मतलब जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, और जिसमें मतलब कि ज्यादा अमाउंट में वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मेरे पास एक बात जो मुझे समझ आई कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज में या सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराना है। लेकिन एक दिमाग में एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाई कितने सॉल्यूट में, कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में, ठीक है ना? मतलब शुगर इन वाटर ले रहे हैं, लेकिन कितना वाटर लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक गिलास वाटर लिया, एक गिलास वाटर में कितनी शुगर है, ठीक है, एक गिलास वाटर में कितनी शुगर है, तो यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, यहां पर देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। अच्छा, कुछ केसेस में हम यहाँ सॉल्वेंट लेंगे और कुछ केसेस में हम लोग यहाँ सॉल्यूशन ही ले लेते हैं, ठीक है? मतलब डिपेंड करता है कि हम कौन सी टर्म का यूज करने वाले हैं, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, आई रिपीट, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड इट्स कंसेंट्रेशन, ठीक है? ऐसे ही सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट under given set of condition. ठीक है, जैसे फिर से देखो आप कि आपके पास है एक गिलास पानी में आपने क्या डाला, शुगर डाली तो आपने पहले डाली एक चम्मच, वो डिसॉल्व हो गई, फिर डाली आपने दो चम्मच, वो भी डिसॉल्व हो गई, तीन डाली शायद वो भी डिसॉल्व हो जाए। अल्टीमेटली यू विल रीच टू अ स्टेज जहां पर एक गिलास पानी, आपने अमाउंट ऑफ वाटर क्या रखा है, सेम रखा है, इसलिए मैं बार बार यूज कर रहा हूँ इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट को आपको क्या रखना है, जो है फिक्स रखना है। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैंने यहाँ पर वाटर एक गिलास फिक्स रखा, उसके अंदर कितना आप शुगर डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, अल्टीमेटली यू विल रीच टू द स्टेज जहां पर और शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी, और शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी, ठीक है? तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाई एक गिलास पानी के अंदर मैक्सिमम आप इतने ग्राम शुगर को क्या करा सकते हैं, डिसॉल्व करा सकते हैं, ठीक है? वो जो मैक्सिमम अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास के अंदर 100 ग्राम जो है शुगर डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है? कितने ग्राम, 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम शुगर आपने डिसॉल्व करा दी, तो वो
क्या हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, कि मैक्सिमम कितना आ सकता है वो क्या होती है उसकी सॉल्युबिलिटी. अब एक गिलास में आप कह रहे हैं कि जी 100 ग्राम डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन मैंने जो है 70 ग्राम डिसॉल्व कर रखी है, तो प्रेजेंट कितनी है 70 ग्राम, हो कितनी सकती है 100, जो हो सकती है वो सॉल्युबिलिटी, और जो प्रेजेंट है वो क्या होती है उसकी कंसेंट्रेशन, कि कितना है वो कंसेंट्रेशन, कितना हो सकती है वो हो जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी. तो समझ आया कंसेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, अब कंसेंट्रेशन को हमारे पास, इस कंसेंट्रेशन वर्ड को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके, इन्हीं तरीकों के बेस्ड आपके पास कई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. जो सबसे पहला मेथड है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन. ठीक है, इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है आपके पास मास परसेंटेज. ठीक है, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, शायद हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि टोटल मास और ये जिसकी परसेंटेज आपको निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100. व्हेन आई से टोटल मास, यहां ध्यान रखने की बात है कि व्हेन आई से टोटल मास देन इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, ऐसे ही आप क्या कह सकते थे, सेकंड में आप वॉल्यूम परसेंटेज की भी कह सकते थे, वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाता है, टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम और जिसका आपको परसेंटेज निकालना है वो वॉल्यूम ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100. ऐसे ही आपके पास जो थर्ड मेथड आता है वो आती है कुछ मोल फ्रैक्शन. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, मोल फ्रैक्शन. इसका जो सिंबल है दैट इज स्मॉल एक्स. ठीक है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल एक्स है. मान लेते हैं, जैसे देखो मास परसेंटेज आपने निकाली, मास परसेंटेज कैसे निकाली आपने, कि मास ऑफ, मान लेते हैं मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, सॉल्यूट की निकालनी है. ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ये क्या है, मास परसेंट. अगर आप परसेंटेज में बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100. लेकिन देखो अगर मास परसेंट तो अलग आ गया, समझ आ गई, लेकिन मोल्स हैं. मोल मतलब कि मोल आप पहले भी निकालना जो है निकाल चुके हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर, कि मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. यानी कि अगर मैं इस गिवन मास को किससे डिवाइड कर दूं, मोलर मास से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ऐसे ही इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको डिवाइड कर दिया मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये मास परसेंटेज की बजाय ये क्या देगा, मोल परसेंटेज, है ना, क्या देगा, मोल. लेकिन मैं बात परसेंटेज में नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको कहूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं लिखने का ऐसा तरीका निकालते हैं, एक्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट. एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स. देखें मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब ये होता है यहाँ पर कि भाई आपको क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसको किस में एक्सप्रेस करना है, मोल्स में.
कि भाई सॉल्यूट को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, सॉल्वेंट को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। कि उन टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, यानी कि सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, जैसे यहाँ करते थे ना, बस मास को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज थी तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, लेकिन यहाँ अगर मान लो 100 में हटा दूं तो इसको मैं मास फ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, कि टोटल मास में से किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना हिस्सा है। अगर सॉल्यूट का वो जो है हिस्सा निकालना है तो सॉल्यूट का मास ऊपर रखो, टोटल नीचे रख दो। सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट ऊपर रख दो, टोटल नीचे रख दो। ऐसे ही बस अब हम यहाँ पर मास की बजाय क्या यूज कर रहे हैं, मोल्स। कि भाई हम जो है टोटल अमाउंट को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। टोटल अमाउंट को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। कि उन टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जिसके भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं उसी का मोल्स ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। सो बिफोर वी मूव ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मान लो मुझे निकालना होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कैसे निकालता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिवाइडेड बाय सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। देखें यही निकाला है, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मान लेते हैं मैं सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट करूं और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करूं, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूं बी से, तो यहां पर आप इस बात को समझें कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने का मतलब है के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे देन व्हाट यू विल गेट इज 1। यहां से क्या मतलब है, यहां से मतलब है कि भाई देखो अगर सॉल्यूशन में दो ही हिस्से हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, दोनों का मोल फ्रैक्शन को आप प्लस कर दें तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है, 1। इसका सबसे बड़ा यूज क्या हुआ कि मान लो आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो आपको यहाँ से एक्स ए का पता है और एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - xa, ठीक है। तो दिस इज नथिंग न्यू, बस इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन आता है एंड द इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर ये ml है देन मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर ये ml में है देन मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर ये लीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो कि इन लीटर्स, हमेशा इसको लीटर रखो, अगर ml में होगा तो आप अपने आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे, वो अपने आप जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, अच्छा इसकी यूनिट्स क्या आएगी, यूनिट्स विल बी मोल पर लीटर, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है कैपिटल एम, या इस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर, मोलर सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं पर दिखाई दे कि क्या लिखा हुआ है, मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि वो हमें उसकी क्या बता रहा है, मोलैरिटी बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आती है मोलैरिटी, मोलैरिटी का सिंबल इज स्मॉल m, स्मॉल m इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है, ये किलोग्राम में होना चाहिए। अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी मोल पर केजी, इसको
उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें आते हैं लास्ट हमारे पास जो मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है वो है पार्ट्स पर मिलियन। देखें ये जो यूनिट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पॉल्यूशन की बात करते हैं, कंटेमिनेशन की बात करते हैं, तो आप हमेशा उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। ये जो पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करना है इसको, इसमें और मास परसेंटेज में कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है कि भाई मास परसेंटेज में कैसे निकाला था, मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, पार्ट्स, तो पार्ट्स वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स के, भाई मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो लेके चला, तो जिसकी परसेंटेज आपको, जिसको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल, क्योंकि यहाँ पर आप बात परसेंटेज में कर रहे थे तो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज 100, यहाँ किस में बात कर रहे हैं, मिलियन में कर रहे हैं, तो 10^6 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इज नथिंग बट मास परसेंटेज को परसेंटेज से हटा के हमने किस में कर दिया, मिलियन में कर दिया, तो वही क्या हो जाएंगे, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएंगे। सो दीज आर वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पर एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एंड आई विल सजेस्ट के इसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी, तो आप एक पेज पर ये सब फॉर्मूलाज लिख लीजिए। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इफ यू हैव द फॉर्मूला इन योर माइंड कि विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको आप एक पेपर पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर पर उतार लो, तब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स हियर। आई रिपीट कि आपके पास फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फार्मूला पता है तो इट विल बी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, राइट। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ध्यान दिया किस पे, मास परसेंटेज पे, कि भाई मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला याद कर लो, मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है। देखो ए कितना है, 2 ग्राम, वाटर कितना है, 18 ग्राम, तो कम अमाउंट कौन सा हुआ, 2 का, तो सॉल्यूट क्या है, ए है। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगी, यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट सीधा सीधा आ जाएगा कि मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या है, टोटल मास है मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर, ओके, क्योंकि बात परसेंटेज में है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ ए कितना है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सॉल्व कर लो, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। सेकंड देखें, कैलकुलेट द मोलैरिटी, मुझे सबसे पहले कैलकुलेट देखना है, किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या देखना है, कैलकुलेट। तो कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी के लिए मुझे पता है दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और साथ में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट के लिए आपको चाहिए क्या क्या, गिवन मास, देखो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, ये आगे गिवन मास 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास NaOH का कितना आएगा कि सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम बनाया है, 250 ml सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम कितना है, 250 ml। अब ये ml में है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए
मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 250। अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट विल बी मोल पर लीटर। यूनिट्स विल बी मोल पर लीटर, ठीक है। तो यूनिट का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद इसका ही यूज करने वाला हूँ। लेट्स कम टू न्यूमेरिकल नंबर 3। कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COONS। दिस इज योर सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये मेरे पास टर्म आ गए, मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर एक्वस सॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर, मैंने अभी बताया था, एक्वस इसलिए कि भाई वाटर में प्रिपेयर किया गया है। मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन इज द शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर मोलैरिटी। फॉर्मूले में आप बैक जाके देख सकते हैं कि मोलैरिटी जब मैंने बताया तो मैंने बताया कि इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एम। इसकी यूनिट्स क्या है? मोल पर लीटर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मोलर, ध्यान से, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहे हैं? मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैरिटी में, मोलैरिटी कितनी दे रखी है? मोलैरिटी दे रखी है 0.375, ठीक है। तो लेट्स ट्राई कि भाई ठीक है, वो मोलैरिटी की बात कर रहा है, तो मोलैरिटी इज 0.375 इज इक्वल टू। अच्छा मोलैरिटी निकालती कैसे? गिवन मास, कि क्या मुझे मास कहीं गिवन है? नहीं, मैं यहां पर लिख लेता हूं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, वो दे रखा है कितना 82.0245 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। अब क्योंकि ये ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हर चीज तो आपके पास सिर्फ मास की बननी है, तो मास यहां से निकल आएगा कि मास इज इक्वल टू 0.375 मल्टीप्लाई 82.0245 मल्टीप्लाई 500 एंड डिवाइड बाय 1000, ठीक है। जो यहां से आया था, दिस विल बी योर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। देखो फॉर्मूले में क्या था? फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो मास था किसका है? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट यहां पर क्या है? सोडियम एसिटेट है। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोडियम एसिटेट। यानी कि अगर मान लो आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी ये है और वॉल्यूम ये है, तो आप क्या करो, यहां से जो आंसर आएगा कि उतने ग्राम सोडियम एसिटेट लो और उसके अंदर पानी मिलाओ, ठीक है, थोड़ा सा पानी मिलाओ ताकि वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। जैसे पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, आप टोटल वॉल्यूम को किसके इक्वल कर दो? 500 ml। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि भाई यहाँ से मान लेते हैं कि सॉल्व करके आए 50, सपोज आई एम जस्ट लेटिंग दिस, कि लेट्स आंसर इज गोइंग टू बी 50। तो आपने 50 ग्राम सोडियम एसिटेट लिया, उसके अंदर 500 ग्राम जो है पानी डाल दिया, या 500 ml क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो वो गलत होता है। आप क्या करो, 50 ml सोडियम एसिटेट लो, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो ताकि वो पूरा डिसॉल्व हो जाए। जैसे ही पूरा डिसॉल्व हो जाए, टोटल वॉल्यूम को क्या कर दो आप? 500 ml। इससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी इतनी आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अब यहां तो यहां यूनिट दी हुई है, उसने नहीं बताया कि मैं क्या कैलकुलेट कराना चाहता हूं। लेकिन अगर आपको याद है, ये यूनिट किसकी आई थी? मोलैरिटी की। किसकी आई थी? मोलैरिटी की आई थी। इन अ सैंपल ऑफ डेंसिटी इतने, और जिसके अंदर मास परसेंटेज है ये, ठीक है, तो मुझे मोलैरिटी निकालनी है। लेकिन आपके पास सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या दे रखी है? मास परसेंटेज, वो दे रखी है 100%। इसका मतलब है कि लेट द टोटल मास, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम
given mass divided by molar mass multiplied by volume kiska of solution. अब given mass तो मेरे पास आ गया कितना 69 divided by molar mass भी मेरे पास आ गया कितना 63. क्या नहीं आया? Volume of solution नहीं आया. Volume of solution नहीं आया, लेकिन देखो क्या दे रखा है, density किसकी? Solution की. तो हमें पता है कि density of solution will be equal to mass of solution divided by volume of solution. कि mass भी है और क्या है आपके पास, volume भी है. ठीक है, density of solution, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, I hope visible नहीं है नीचे, कि density of solution is equal to density of solution is equal to mass of solution divided by volume of solution. यानी कि यहां से अगर मुझे volume निकालना है तो वो क्या आ जाएगी, density multiply क्या, सॉरी मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी. तो सॉल्यूशन का मास कितना लिया था आपने 100 ग्राम, तो वॉल्यूम देखो क्या कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर एमएल. ठीक है, तो 63 डिवाइड बाय 69 और यहां पर वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया 100 multiply 1.41 and multiply by 1000. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट देखो वॉल्यूम की क्या है, ml. ठीक है, तो ml में तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए नहीं, मुझे किस में चाहिए, लीटर में चाहिए. ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप एक बार और बड़े ध्यान से समझ लो. वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मुझे निकालनी है, क्या मुझे निकालनी है आपके पास लीटर में, मोल पर लीटर का मतलब है कि आपको जो है मोलैरिटी निकालनी है. मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला देखो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास कैसे निकालेंगे भाई, परसेंटेज दे रखे उसमें मास की, तो टोटल 100 ग्राम आप ले लो, 100 ग्राम अगर आपने ली तो उसमें से 69 ग्राम क्या आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड. वाटर कितना आ जाएगा 31 ग्राम. अब मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होता है, वो होता है 63 ग्राम. तो गिवन मास भी आ गया कितना 69 और मॉलिक्यूलर मास आ गया कितना 63. अब क्या रह गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए कि डेंसिटी उसने मुझे दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है, तो मास में किसका लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का. वॉल्यूम में किसका लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का. ठीक है, ऐसे ही यहां से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. मास की वैल्यू है मेरे पास कितनी 100, डेंसिटी की वैल्यू है कितनी 1.41, तो वो वैल्यूज मैंने वहां पुट कर दी. ठीक है, so from this you can solve these four numericals. Moving on, we have some more numericals, like this is NCERT back exercise question number 1.11. the statement states, what is concentration of sugar jiska formula hai C12H22O11 in mole per liter. to unit se hi question crack ho jata hai ki mole per liter hai means kya nikalni hai, uski molarity nikalni hai. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने इससे पीछे वाला किया है. ठीक है, उसमें भी हमने क्या यूनिट गिवन थी, यूनिट से आइडिया लगाया कि भाई कौन जो है क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी करनी है. तो मोलैरिटी का फिर से फॉर्मूला लिखे, मोलैरिटी का फॉर्मूला विल बी गिवन मास. गिवन मास कितना है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, सॉरी मोलर मास. मोलर मास कितना आ जाएगा, C12H22O11 को जब आप करेंगे तो आई थिंक ये कितना आएगा 12 144, 320 के अराउंड आएगा ये. ठीक है, दिस विल बी योर अराउंड 320. लेट मी चेक, इवन यू कैन कैलकुलेट इट आल्सो, इट्स आंसर इज गोइंग टू बी 342. इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 342, नॉट 320, इट विल बी 342. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन विल बी कि गिवन मास इज 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 342 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 2 लीटर. क्या यहां 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं है. क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीधा सीधा लीटर में गिवन है. तो दिस इज क्वाइट सिंपल. नाउ लेट्स कम टू दिस सेकंड, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वो कहता है इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल सॉल्यूशन इज इतने, ठीक है,
needed to make a 2.5 liter of its 0.25 capital M solution. ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास एक बेकर है. ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये तो इजी सा है. यू हैव अ बेकर हियर. इस बेकर के अंदर क्या भर रखा है आपने? मिथेनॉल सॉल्यूशन CH3OH. ठीक है, इसकी मोल, इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.793 किलोग्राम पर लीटर. आपने क्या किया, इसमें से कुछ मिथेनॉल निकाला. Remove some CH3OH, मिथेनॉल निकाला और मिथेनॉल निकाल के इसको एक दूसरे कंटेनर में डाला और फिर से एक सॉल्यूशन बनाया. ठीक है, ये जो नया सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.25 कैपिटल एम. ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना बनाया आपने? 2.5 लीटर. वो कहता है कि भाई बताओ आपने यहां से कितना वॉल्यूम निकाला, कि भाई यहां से मैं कितना वॉल्यूम निकालूं कि उस वॉल्यूम में पानी डाल के अगर मैं 2.5 लीटर तक वॉल्यूम कर दूं, मतलब इसमें से कितना मिथेनॉल निकाला कि भाई उसमें पानी डाल के टोटल वॉल्यूम 2.5 लीटर करने से जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी बनेगी? 0.25 कैपिटल है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप देखें कि भाई हम पहले इस पे फोकस करते हैं कि हमें क्या निकालना है. 0.25 मोलैरिटी, कैपिटल एम मींस मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं. 0.25 कैपिटल एम इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास और CH3OH का अगर मैं मोलर मास निकालता हूं, CH3OH का कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन मेरे पास टोटल कितने हैं? 4 है, 3 ये और 1 ये, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 32. यानी कि मोलर मास कितना आ गया मेरे पास? 32. और वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर. ठीक है, तो यहां से गिवन मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? गिवन मास विल बी 0.25 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 2.5. ठीक है, तो यहां से आपके पास एक गिवन मास की वैल्यू आएगी कि भाई आप अगर मिथेनॉल का उतना मास ले लें जो इसको कैलकुलेट करके आएगा कि भाई उतना मास ले लें और उसमें टोटल वॉल्यूम को क्या कर दें? 2.5 लीटर. जो नया सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.25. ठीक है, लेकिन उसने मुझे मास नहीं पूछा. वो कहता है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड. मैं क्या निकाल रहा हूँ? मास. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मास को कुछ भी करके किसमें कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में. लेकिन गिवन क्या है? डेंसिटी गिवन है. अरे भाई ये तो और आसान हो गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है, तो मास कितना है? मास है 0.25 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय ये कितना है? डेंसिटी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो कि भाई ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. देखो, अब तक एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, उसने पूछा था कि व्हाट मास. तो मैंने पहले निकाला कि कितना मास चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो लिक्विड स्टेट में है, उसका वॉल्यूम लिया गया है. तो इस मास को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? वॉल्यूम में. क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है. तो बस मतलब मास निकाल के आपको एक फॉर्मूला और यूज करना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. लेट्स कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल. वो क्या कहता है? हाउ आर 0.50 स्मॉल एम Na2CO3 is different from 0.50 capital M Na2CO3. This is back exercise question number 1.25. क्या ये 1.25 question number है? इसमें आपको बताना है कि ये different क्या है. मतलब वैसे तो ये numerical नहीं है, बस आपको ये याद रखना है ये capital M, sorry small m किसका जो है symbol होता है? Molality का. Capital M किसका है? Molarity का. Molarity क्या होती है? Number of moles of solute divided in वॉल्यूम, कि भाई एक लीटर के अंदर इतने मोल्स आएंगे. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये इतने मोल्स किसमें प्रेजेंट है? 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसको वैसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट, वो कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी. बड़े इंटरेस्टिंग
चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, या तो नंबर ऑफ मोल्स थे या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वॉल्यूम चाहिए आपको. लेकिन उसने ना तो गिवन मास दिया, ना उसने आपको वॉल्यूम दिया, उसने आपको क्या दिया? मोल फ्रैक्शन. क्या दिया? मोल फ्रैक्शन. किसका? इथेनॉल इन वाटर. देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे निकालता मैं? और निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल ऊपर C2H5OH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब क्या निकालना है? मोलैरिटी. किस में? वाटर में. मोलैरिटी की यूनिट याद करो कि मोलैरिटी की यूनिट्स आर मोल पर लीटर, यानी कि आपको कितना लेना है? 1 लीटर. लेट्स हैव 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, और हमें पता है कि 1 लीटर में डेंसिटी क्या होती है वाटर की? डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं, 1 लीटर या फिर मैं कह सकता हूं 1000 ml. ठीक है, तो डेंसिटी के हिसाब से यूज करो, आपके पास क्या आ जाएंगे? 1000 ml विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम. इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1000 ml will be equal to 1000 gram. कैसे? अरे भाई, density is 1 gram per ml. के 1 ml में 1 gram है, तो 2 ml में कितने होंगे? 2 gram. 10 ml में कितने होंगे? 10 gram. मैंने कितना लिया? 1 liter. 1 liter मतलब 1000 ml. 1000 ml मतलब 1000 gram. Water कितना आ गया? 1000 gram. और water का molecular mass कितना आता है? Molecular mass of water is 18. तो number of moles अगर मैं निकालूं, number of moles किसमें? 1 लीटर में, तो वो कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाय 18 या फिर 55.5 मोल्स. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं 1 लीटर ही क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि मोलैरिटी पर लीटर में आती है. मोलैरिटी किसमें आती है? पर लीटर में आती है. इसलिए मैंने वाटर में कितना लिया? 1 लीटर लिया. 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 55.5. तो मोल फ्रैक्शन देखना दोबारा से कि मोल फ्रैक्शन का आंसर इज 0.040 is equal to number of moles of methanol, ethanol divided by number of moles of ethanol C2H5OH plus 55.5. ये क्या आ गया? Number of moles of water. तो यहाँ से number of moles of ethanol निकाले जा सकते हैं. कैसे? Cross multiply कर लो. तो ये क्या आएगा? N of C2H5OH कितना? Multiply by 0.040 multiply plus 55.5 multiply 0.040 is equal to number of moles of ethanol, या number of moles of ethanol N of C2H5OH. वो कैसे निकलेगा? वो निकल जाएगा कि 1 minus ये मैं उठा के उधर लेके गया, तो ये क्या आएगा? 1 minus 0.040 is equal to 55.5 multiply 0.040. तो यहां से मेरे पास number of moles of ethanol क्या आ गए? वो आ गए कि 55.5 multiply 0.040 divide by 1 minus 0.040. ठीक है, ये क्या आ गए? number of moles of ethanol. लेकिन दोबारा ध्यान दो कि भाई, ये जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आपने निकाले, तो आपने लेट क्या किया? आपने लेट किया कि 1 लीटर. लेट क्या किया? 1 लीटर. यानी कि ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये किस में है? 1 लीटर में. यानी कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए, उसमें वाटर कितना लिया? 1 लीटर. यानी कि मोल्स इन 1 लीटर. ये जो आंसर आ रहा है, ये किस में आ रहा है? मोल पर लीटर में. और मोल पर लीटर का मतलब है, ये सीधा सीधा मेरे पास क्या हो गई? मोलैरिटी. सीधा क्या हो गई? मोलैरिटी हो गई. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के है कि भाई मोलैरिटी निकालनी है. ये बाय द वे, दिस इज योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 1.29. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.29. ठीक है, ये 1.29 क्वेश्चन नंबर है.
तो इसको आप देख लीजिए एक बार, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट हियर कि भाई मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी के लिए यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर होती है कि जी ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मोल फ्रैक्शन जो उसने मुझे दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकालते टाइम नीचे मुझे पता चला भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी चाहिए। वाटर मैंने कितना ले लिया, 1 लीटर। क्यों लिया, क्योंकि मोलैरिटी किस में निकालनी है, पर लीटर में, 1 लीटर में निकालनी है। तो 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं 1 g/ml होती है, यानी कि 1 g/ml का 1 ml में 1 g/ml होता है। तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे, 1000 g, 1000 g को नंबर ऑफ मोल्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, वो कितना है 55.5। तो मोल फ्रैक्शन में ये वैल्यूज पुट करके मैंने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। लेकिन ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल का आंसर आया, इसमें ये आता है कब, जब आप वाटर कितना लें, 1 लीटर, यानी कि ये मोल तो है लेकिन इन 1 लीटर। तो यहां से सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दिस हार्डली 3 मोर न्यूमेरिकल्स आर देयर, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सम ऑफ यू वर डिमांडिंग फॉर द नोट्स ऑफ यूनिट 3, आई एम प्रिपेयरिंग। मैं कल कुछ बच्चों को भेजे भी हैं, आज मैं जो है आई एम ट्राइंग के थ्रू द चैनल सबको प्रोवाइड हो जाए, बट मुझे पता चला कि वो शायद फ़ोन में ओपन नहीं हो पा रही, तो मैं उसका फॉर्मेट चेंज करके आपको यूनिट 3 के नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, और लेकिन मैं एक बात यहाँ बड़ा क्लियरली बता दूँ कि नोट्स डजंट मीन कि आप जो है नोट्स पढ़ के सब कुछ सीख जाएंगे। देखो भाई, अगर ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए तो चीज़ें आपको ज़्यादा ही पढ़नी पड़ेगी। जो नोट्स होती हैं वो बड़ी शॉर्ट फॉर्म होती हैं। शॉर्ट फॉर्म मतलब कि बहुत सारी चीज़ें उसमें अंडरस्टूड मान के चलनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। अगर वो पॉइंट आपको याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, बट सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर रिलाय मत करें। ठीक है, आप सोचें कि सिर्फ नोट्स पढ़ के ही आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको किताबें पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। एक्चुअल में एज अ टीचर नोट मैं प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि नोट्स जिस बच्चे के हाथ में नोट्स पहुंच जाते हैं वो फिर बुक्स को टच करना बंद कर देते हैं। जब वो बुक्स को टच करना बंद कर देते हैं तो एज अ टीचर वो सिर्फ मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ उतना पढ़ता है जितना मैं पढ़ाना चाहता हूं। मतलब हो सकता है कि मेरे दिमाग से कोई पॉइंट एस्केप कर गया हो नोट्स बनाते हुए, तो वो बच्चा भी एस्केप कर जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि बच्चे बुक्स पढ़ें। But still, some of the students are demanding. That's why we have prepared. और आज जब ये वीडियो अपलोड होगा या आपके पास जब इसका लिंक पहुँचेगा, तो उससे पहले आपके पास जो है यूनिट 3 के नोट्स भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन द एंड थैंक यू वेरी मच, क्योंकि नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 100 पीपल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही 100 क्रॉस किया है। So thank you very much. Lekin when I go to analytics of my videos, I come to know ke 52% of my videos are seen by those who are not my subscriber. ठीक है, यानी कि अगर वो 52% भी सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ये फैमिली और बड़ी हो जाएगी, और जो है it will be a boosting element for me. ठीक है, तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू वेरी मच, और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली के साथ जुड़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।